मध्य प्रदेश में दो मासूम वाल्मीकि समाज के बच्चों के साथ किए गए घृणित कार्य के बाद हत्या करने के विरोध में शनिवार को देर शाम युवा वाल्मीकि समाज द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग पैदल मार्च करते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार से इस घटना की जांच उचित स्तर पर कराकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग रखी गई। वहीं मृतकों के परिवार को 10-10 लाख मुआवजा पर मकान के साथ ही नौकरी देने की मांग रखी गई। वाल्मीकि समाज का कहना है कि आज भी भारत की आज़ादी के बाद दलित समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर समाज में काफी रोष है और इस तरह की घटना वापस ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वयं विचार करें। आज हम लोग यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पर समस्त वाल्मीकि युवा साथी भाई सब यहाँ आए, हम सब मिलकर पूरा समाज इकट्ठा है, एक एक कॉलोनी एक एक घर से लोग आए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी इस गांव के अंदर जो घटना हुई है वाल्मीकि समाज के साथ, जो दो एक लड़का एक लड़की अविनाश जी और रोशनी के साथ जो ये घटना हुई है, एक ही उनको एक सोच करने के ऊपर उनकी मृत्यु कर दी गई है यादव परिवार ने, ये बहुत दुखद घटना है। ये पूरे देश के लिए सवनात है बिल्कुल कि आज 70 साल 80 साल देश को आज़ाद हुए हुए लेकिन आज तक अभी तक दलित समाज आज तक आज़ाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों हम लोगों के ऊपर ऐसा क्यों जुलूम हो रहा है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और राष्ट्रीय सफाई आयोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक समाज के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप इतना कुछ बढ़िया कर रहे देश चलाने के लिए, तो हमारे दलितों की भी जो अदर समाज के लोग जो हम पे जुलूम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो यादव जिसने मर्डर करा है वो लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को खुश करने के लिए किया, तो क्या हम कुर्बानी के लिए बैठे हुए हैं? क्या हम क्या कुर्बानी सहन करने के लिए हमको मरने के लिए है क्या? आज उन दलित जो दो बच्चों की हत्या है, आज अपने साथ ऐसा होता तो जमीन खसक जाती, आज उस गरीब परिवार के साथ ये हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। आज हम यहाँ पे जो है कैंडल मार्च हमने निकाला है पूरा यहाँ जुलूस टाइप करके और यहाँ पे हमने 2 मिनट का मौन भी किया है, मौन धारण करके उनकी श्रद्धांजलि दी है सभी हमारे युवक भाई और आज हमने घोषणा भी की है कि हमने समस्त वाल्मीकि युवा साथी मिलकर हम घर घर जाएंगे और हम एक चंदा टाइप करेंगे ताकि उस गरीब परिवार को पता नहीं सरकार या प्रधानमंत्री जी कब देंगे उनको, उससे पहले वाल्मीकि समाज उसके लिए खड़ा रहेगा और सरकार से मांग भी करेंगे हम कि उनको एक नौकरी एक मकान और 10-10 लाख रुपए मृतक परिवार को दिया जाए, ये भी मांग करेंगे और उसके बाद में हम एक टीम बनाकर दरिंदों को फांसी देने का जो है पूरा प्रावधान करके लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय सफाई आयोग राष्ट्रीय चेयरमैन जी को जल्द से जल्द इनको फांसी दे दरिंदों को ताकि हमारे समाज के साथ जो ये घटनाएं जो बार बार देखा जाता है, कभी बलात्कार हो रहा है कभी छुआछूत हो रही है, इस तरीके से जो हम सहन शक्ति नहीं सहेंगे। मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि अब हम हद से पार गुजर गए कि हर 2 घंटे में हर कुछ दिन में हर कुछ घंटे के अंदर दलित समाज के ऊपर जो आज अत्याचार हो रहा है ये जरूरत से ज़्यादा हो रहा है। ऐसा ना हो कि दलित समाज ये कुछ रोडों पे उतर जाए और फिर उग्र आंदोलन पे उतर जाए, तो ऐसा ना हो। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है इसके ऊपर लागू इसके ऊपर जो है आप बंदिश करें और जल्द से जल्द दरिंदों को फांसी की सजा दें ताकि और रोड पर दें, मैं तो कहता हूँ किसी जेल में ना देकर इनको चौराहे पे फांसी दें, इनको लटकाए ताकि पब्लिक को पता है, पब्लिक सिटी होए कि ये एक दलित परिवार वाल्मीकि परिवार के साथ करने का ये नतीजा है, ताकि लोग डरें और ये आगे से नहीं करें।